ये है जी हरियाणा का सबसे बड़ा क्षेत्र पंजाब। हरियाणा का क्षेत्र पंजाब? अच्छा हरियाणा का क्षेत्र नहीं है, और सॉरी ये तो पंजाब अलग ही क्षेत्र है। तो यहाँ पे हम सिस्टम अभी तो हम आए थे यहाँ पे पंजाब में, सोचा थोड़ा नहा लेते हैं ट्यूबवेल पे, क्योंकि अलग ही सौंदर्य है इनका। बस करो, तो हमने अभी यहाँ पे स्नान किया है जंग पंजाब में, और अभी हम जा रहे हैं है? अभी हम जा रहे हैं कसौली पहाड़ों में। अरे भाई ले लेने दो इसे फोटो, एक बार मर गए। क्या कहना नहीं मानेगा। बस अबे यू आर है कानपुर ते क्या बोल रहा है फोन ही जेब में रख लिया इसमें। अच्छा जी मजा सा ही आ गया। हम जा रहे हैं भाई ट्रैक पे, यहाँ से ट्रैक शुरू हो जाता है भाई ये, हाँ ये निकल जाता है भाई चर्च उस पार। मैं तुम्हारे आगे हूँ, तुम्हारा लीडर हूँ, टेंशन नहीं है, घबराने का नहीं है, तुम्हें लेके जाऊंगा सेफली। ये सरहद पार निकलता है, सरहद पार ये चाइना बॉर्डर पे पहुंचेगा सीधा। सच्चू भाई ने बोला था यहाँ से चाइना बॉर्डर 1 किलोमीटर है। अरे तू सीधा चलता रहा, वो मैंने वो देख पिंक फ्लावर ओ या सूरजमुखी सूरज है इस तरफ तो सूरज की तरफ झुक गई है। देखो अरे वो अपनी तरफ कर ले स्क्रीन को, वो मधुमक्खियां बैठी है इसके ऊपर भाई। मिशन अबाउट। तो हम जा रहे थे कसौली की पहाड़ी पे ट्रैकिंग करने, लेकिन एकदम से बारिश हो गई और हमें वापसी अपने पोस्ट पे पहुंचना है नीचे फौजियों को। हम फौजी, हमें बारिश से डर लग रहा है। भगदड़ मच गई है जी, भगदड़ फौजियों के लिए, चाइना ने स्लिपरी। Oh, oh, oh.
चेंजिंग होती रहती है सर, बारिश हुई या फिर धूप लग रही है सर, चेंज होता रहता है सर। और क्या फैसिलिटीज आसपास में मिल सकती हैं? और तो सर अभी तो ऐसे कोई खास फैसिलिटीज नहीं होगी, वेदर काफ़ी अच्छा है सर। चलो वेरी नाइस, थैंक यू सर। थैंक यू। भाई साहब ये दैया साहब मिले हमारे सोनीपत से हैं, सोनीपत से अपने और संपत के भाई साहब आ गए हैं, सबसे लंबे ठाडे हैं, सबसे लंबे ठाडे हैं ये बीच में जो दिख रहे हैं ग्रीन टी शर्ट वाले भाई साहब। ये जैवलिन थ्रो में थोड़ा बच गए, नहीं तो ये बहुत बार बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बास्केटबॉल भी जबरदस्त भाई साहब, बहुत बढ़िया। क्या उम्र अंकल आपकी? 78। और डेली घूमते हो? बढ़िया लगा अंकल आप वॉक करते हुए। डेली कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर नीचे और फिर 5 किलोमीटर ऊपर? ढाई। अच्छा, ढाई नीचे फिर ढाई ऊपर, नाइस। ठीक है अंकल, थैंक यू। अब लगी बोल रहे।